नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली की। यहाँ मधु विहार में कार पार्किंग में लगी भीषण आग। बात करेंगे आगे जालना की। यहाँ स्कूटी पर आए दो लोगों ने दिन दहाड़े 2 लाख रुपए से भरा बैग छीना। चर्चा करेंगे कासगंज की, जहाँ विद्युत पोल में करंट आने से युवक की मौत, परिजनों में पसरा मातम। तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। दिल्ली के मधु विहार में कार पार्किंग में लगी भीषण आग। आग की चपेट में पार्किंग में खड़ी 20 के करीब गाड़ियां जल गई। दमकल की 18 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। जालना शहर में घटना सामने आई। शहर के नया मोंडा में स्कूटी सवार दो लोगों ने दिन दहाड़े 2 लाख कैश से भरा बैग चुरा लिया। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अकील शेख की चनेगांव में किराना दुकान है। हमेशा की तरह आज भी उनकी मालवाहक गाड़ी लेकर किराने का सामान खरीदने के लिए जालना के नया मोंडा आए। उस वक्त उन्होंने गाड़ी की ड्राइविंग सीट के पीछे बैग में 2,30,000 रुपये की नकद रकम लपेट कर रखी थी, जिसमें से उसने पायल ट्रेडिंग दुकान के मालिक को 30,000 रुपये दिए। और फिर जब वह कार लेकर पंचमुखी ट्रेडिंग कंपनी के सामने आया तो अकील शेख किराने के सामान का दाम पूछने गया। तभी उस पर नज़र रखने वाले दो लोग आ गए, स्कूटी पर सवार हो गए और कार में रखा 2 लाख रुपये का बैग चोरी कर लिया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस मामले में अकील शेख की शिकायत पर चंदन जीरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। जालना से सीनू संवाददाता शब्बीर की रिपोर्ट। विद्युत विभाग की लापरवाही आम जनमानस पर भारी पड़ रही है। बुधवार को गांव पहलुई में डॉक्टर रामनाथ के घर के नज़दीक सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे के सपोर्टर में करंट आने से चिपक कर 35 वर्षीय युवक सुरेंद्र कुमार पुत्र जमादार की मौत हो गई। आनन फानन में परिजन डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिजली के खंभे या सपोर्टर से चिपक कर मरने वालों का ये कोई पहला मामला नहीं है। उससे पहले भी तमाम लोगों की मौत बिजली के खंभों से चिपक कर हो चुकी है, फिर भी विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंगती। सुरेंद्र की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। गुस्साए ग्रामीणों ने मृतक सुरेंद्र कुमार के शव को सड़क पर रखकर जाम लगाकर नारेबाजी करते हुए मुआवजे की मांग की है। आपको बता दें कि सूचना पर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी राधेश्याम ने मृतक के परिजनों को सांत्वना देते हुए सड़क पर लगे जाम को खुलवाया तथा पंचनामा भरते हुए सभी सरकारी लाभ दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। कासगंज से सीनियर संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। शहर के हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच और परभणी शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आगामी बॉलीवुड फिल्म हम दो हमारे 12 पर प्रतिबंध लगाने और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने और फिल्म के खिलाफ मामला दर्ज करने और सेंसर बोर्ड से फिल्म पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है और इसे देश भर में रिलीज होने से रोका जाए, ऐसी भी मांग की है। कलेक्टर को दिए गए मांग पत्र में कहा गया है कि इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ विज्ञापन शाहिद एस शेख के माध्यम से उचित कार्यवाही की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया है। निवेदन के अंदर हमारी मांग ये है कि एक फिल्म आ रही है हम दो हमारे 12, ये फिल्म को हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। ये फिल्म के अंदर इस्लाम का मजाक उड़ाया गया है, कुरान की आयतों को तोड़ मोड़ के बताया गया है। जैसे कि इस्लाम के अंदर एक वाहिद इस्लाम मज़हब है कि महिलाओं को माँ का सम्मान दिया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत रहती है, ये हमारा अकीदा है। वैसे ही जो महिला शादी करती है, महिला को पूरा अधिकार है कि महिला को जो शौहर पसंद है वो उससे निकाह कर सकती है। और तीसरी बात कि बाप के प्रॉपर्टी के अंदर से लड़की को पूरा के पूरा अधिकार है कि उसको प्रॉपर्टी के अंदर से हिस्सा मिलना चाहिए। हर जगह महिलाओं का इस्लाम ने सम्मान रखा है। और हालिया दिन के अंदर जो फिल्म के अंदर जो चीज़ें बता के मुसलमानों को बदनाम करने के लोग जो साजिश कर रहे हैं, हम आपके मीडियम के माध्यम से हमारे गृह मंत्री से डिमांड करते हैं कि जो लोग ये फिल्म निकाल रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। टेलर पे, फिल्म पे, डायरेक्टर पे, प्रोड्यूसर पे, एक्टर पे आप लोग गुनाह दाखिल करिए और वो फिल्म यहाँ महाराष्ट्र में इंशाल्लाह हम लोग चलने नहीं देंगे और फिल्म को बंद करने के वास्ते हम लोग हर तरीके का प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। महाराष्ट्र परभणी से सीनियर संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। गंजबासौदा थाने में पदस्थ ASI शिव प्रसाद विश्वकर्मा रिश्वत लेते हुए पाए गए। गंजबासौदा में थाने में पदस्थ
शिव प्रसाद विश्वकर्मा द्वारा दो सगे भाइयों के मामले को रफा दफा करने के लिए परिवार से 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था। ऐसा ये मामला एक थाने का नहीं है, कई थानों की यही कहानी है। बात करें भोपाल में की तो उस वहाँ भी कुछ महीने पहले झोला थाने में पदस्थ एसआई संतोष डांगी, जिसको लोकायुक्त ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए भानपुर चौकी भोपाल से ट्रेस किया था। बीच में थाना हनुमानगंज के प्रधान आरक्षक 100 डायल में पदस्थ थे, जिसमें उन्होंने लोडिंग ऑटो से 100 रुपए लिए थे। हमने चौकी प्रभारी से पूछी कि क्या मामला है, हमें बताओ। तो बोले के लगे उधर उसको इधर ही लेके आओ, राहुल को। उन्होंने कहा दोनों बच्चे हैं हमारे और हम यही समझा लेंगे साहब, और हम गरीब आदमी हैं। तो बोले के लगे कि आप लेकर आओ, 5 दिन ही जेल जाएगा। तो मैंने कहा साहब आपकी व्यवस्था कर देंगे, हम कर चुका लेंगे। तो बोले के लगे नहीं, 1,00,000 रुपए लेके आओ। तो 1,00,000 रुपए मेरे पास नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कुछ दिन पहले से मेरा बच्चा भी नहीं है, और वो विश्वकर्मा जी हैं चौकी प्रभारी। विदिशा से सीनियर संवाददाता राकेश दिवानिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।